हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे अपनी ब्रेजा को लेके। तो आज हम देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करती है ब्रेजा हाईवे पे, और मतलब इसका कंफर्ट कैसे रहता है इतने लॉन्ग रन में। हम अराउंड 300 किलोमीटर की जर्नी पे जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं रास्ते में, आपको दिखाते हैं जिम कॉर्बेट के नज़ारे और कार की परफॉर्मेंस। सो स्टे ट्यून्ड। और अब हम मिलते हैं, जैसे ही हम हाईवे पे चढ़ते हैं तब हम फिर रिकॉर्ड करते हैं। आप देख सकते हो ब्रेजा की कैसी परफॉर्मेंस है हिल में। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल इंक्लाइन है यार, और इतने प्यार से उठ रही है, कोई प्रेशर नहीं मारना पड़ रहा, कोई मेरे को पूरा पंजा नहीं दबाना पड़ रहा, इतने प्यार से चल रही हूँ। मतलब मजा आएगा आपको ना हिल्स पे। जैसे अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, थर्ड गियर में भी इतना अच्छा पिक कर रही है, हम जब से पूरा इंक्लाइन भी चल रहे हैं। फायदा होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ना, इसकी पावर है ना यार, वो बहुत ही सही है। ये यार लोगों को ना मोमेंटम बना के चलना पड़ रहा है, लोग इसलिए तेज तेज चला के जा रहे हैं कि उनकी गाड़ी मतलब बंद ना हो जाए या फिर गियर वो ना हो। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, आप रेस छोड़ के फिर से पिक कर रहे हो, ये तुरंत पिक कर रही है। अब अगर मैंने देखो यहाँ पे रेस छोड़ दी, अब मैं पिक कर रहा हूँ तो एकदम से उठ रही है, आपको कोई इशू ही नहीं है। देखो मैंने थर्ड गियर मार दिया, यहाँ पे कोई लोड नहीं ले रहा इंजन, कोई आपको वाइब्रेशन नहीं फील होगी ना आपके स्टेयरिंग में ना आपके इसमें, और इंजन नॉइज तो है ही नहीं। जो भी है वो हमने विंडोज ओपन कर रखी है, विंडोज आ रही होगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि यार पहाड़ में आके भी एसी थोड़ी चलेंगे, बाकी तो नेचुरल एयर देंगी। कर्व्स पे विजिबिलिटी इतनी अच्छी है, इसके जो दोनों पिलर्स हैं वो इतने वाइड नहीं है, आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट बहुत लिमिटेड है पूरी कार में, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज हैं, कोई इशू ही नहीं है यार। स्टेयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो आपको टर्न में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर देखोगे आप, अभी देख सकते हो साइड में मेरे, पूरा ये टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व है। अब मैंने यहाँ से मोड़ी, अब मैंने रेस छोड़ दी है और मैं थर्ड गियर में फिर से पिक कर लेगी, एकदम से पिक कर रही है यार। थर्ड गियर में रिस्पॉन्स करिएगा, वो भी अपहिल में। अब देखो आप, पूरा अपहिल है पूरा रास्ता, कुछ भी लेवल नहीं है, और मैं थर्ड गियर में चलता हूँ नॉर्मली। जैसे आप मतलब बहुत लोग चलाते हैं जब हम नीचे उतर रहे होते हैं डाउन हिल में, बट हम इतने इजीली चल रहे हैं यार, मज़ा आ रहा है। देखो यार, देख सकते हो आप, मैं थर्ड गियर पे हूँ, कोई लैग वगैरह इंजन स्ट्रेस कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल, मजा आ रहा है भाई। ये देखो मैं पूरी रेस छोड़ देता हूँ कर्व्स पे ना, जिससे आप आराम से टर्न ले पाओ, रिस्क फ्री ड्राइव करो यार, क्यों भगानी है। तो आपकी गाड़ी आराम से पिक कर रही है, देखो मेरे पीछे 800 आ रही है, उसे पूरा मोमेंटम बना के चलना पड़ रहा है, इसलिए वो बेचारी बार बार हॉर्न दे रहे हूँ उन्हें ओवरटेक करने, क्योंकि मैं अपना नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ। अब वो कर्व, वहाँ से इतने कर्व पे आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है कब सामने से कार आ जाए। तो यार ठीक है, नैनीताल पहुँच के मिलते हैं,
तब तक के लिए एंजॉय करो आप व्यू, आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं। तो यार हम आ गए वापस दिल्ली, और अगर मैं बात करूँ हमारी कार की परफॉर्मेंस की, वैसे नोन है एम्ब्रेज़ा की परफॉर्मेंस, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हम नैनीताल भी होके आए हैं, आपने मेरी दो वीडियोस भी देखी होंगी, अपहिल और डाउनहिल वाली। तो बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, बहुत मज़ा आया कार में। चार लोग हम गए थे, पूरी लोडेड गाड़ी थी सामान से, ऐसा नहीं कि खाली गाड़ी गई थी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और स्मूथनेस देख सकते हो आपको, जो मतलब लोग कहते हैं कि प्लास्टिक क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, अभी तक मैंने वो फेस नहीं करा है। 10,000 हो गई है हमारी गाड़ी, ऑलमोस्ट 9,934 हो गए किलोमीटर्स। और अगर मैं आपको एवरेज दिखाऊं तो ये मेरी ट्रिप का ही है, ये 16.5 इसने हमें दिया है हिल्स में। हिल्स में हमने पूरा ट्रैवल करा है, आपने देखा है पूरा जिम कॉर्बेट घूमे, सेकेंड गियर थर्ड गियर में हम चले, और उसमें हमें इतना अच्छा एवरेज भी मिला है, मज़े भी लिए हमने सेकंड थर्ड गियर में पूरी। और अभी जब हम हाईवे पे आ रहे थे, तो अगर जब आप देखोगे, मतलब रिकमेंडेड नहीं है बट हाँ हमने थोड़ी सी पुश भी करी गाड़ी, 120-130 तक हम गए थे थोड़ी देर के लिए बस, ज़्यादा नहीं, 100 हमने मेंटेन करी तब। ऐसा माइलेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 60-70 पे चलाई है, 100 मैंने मेंटेन किया, क्योंकि आपको पता होगा ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है यहाँ पे 100 की लिमिट है, तो वो हमने पूरी मेंटेन करी थी तभी हमें माइलेज मिला है। और अभी भी आप देख सकते हो ऑफिस ट्रैफिक है, अराउंड 8:53 हो रहे हैं अभी रात के, तब उस ट्रैफिक में अभी चल रही है गाड़ी और ये माइलेज हमें शो हो रहा है। पूरा एक टंकी मेरा पेट्रोल लगा है, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊँ आपको, और 730 समथिंग किलोमीटर्स हमने ड्राइव किया है, पूरा एक टंकी भी नहीं, उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जब हम निकले थे तो हमने जो फ्यूल अप कराया है वो हमने मेटल से कराया है, तो एक्यूरेट मेरे पास ट्रिप की रिपोर्ट नहीं है, बट हमें पता है कि हमने उस स्टेशन से अभी चेक किया था। तो अगर आप ट्रिप देखोगे मेरी तो वो 525.6 दिखा रहा है अभी, बट ये वहाँ से दिखा रहा है जहाँ से हम निकले थे, ये वहाँ से है हमारे ट्रिप का ना, जहाँ से हमने पेट्रोल फ्यूल अप कराया था, हमारा रामनगर, रामनगर अगर आपको पता होगा जिम कॉर्बेट में, वहाँ से हमने फ्यूल अप कराया था। तो यार ऐसा कुछ रहा हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ब्रेज़ा को चला के बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। हाईवे पे तो ये आपको ऑटोमेटिक वाली फील देती है, और जब आप हिल्स पे जाते हो ना तब आपको डिफरेंस समझ में आता है कि आपको SUV क्यों चाहिए होती है, और SUV के जो ट्रेड्स हैं ना जो ब्रेज़ा में हैं वो आपको एक्चुअल में पता चलता है। नॉर्मल यहाँ तो आप चलाते हो, बट जब आप हिल्स पे जाते हो तब आपको मज़ा आता है यार ब्रेज़ा चलाने में। तो ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियोस चाहिए मेरे से, मतलब कार से रिलेटेड कंटेंट में, ट्रैवल का कंटेंट आते रहेगा। आप पूरी सीरीज़ मेरी चेकआउट कर सकते हो जो हम घूमे हैं, पूरे व्लॉग्स हैं प्रॉपर 4 दिन के जो हमने घूमे, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी आप मुझे बताना कौन सी वीडियोस आप चाहते हो, और ज़्यादा ऑफ रोडिंग की भी हमने एक वीडियो शूट की है, वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रैक ही है, वो ऑफ रोडिंग ही है, जो डारियन रिजॉर्ट था हमारा वहाँ पर, तो वो भी हमने शूट करा है। सेकेंडली बात रही, अगर आप चाहते हो मेरे से ड्राइव सीरीज या फिर हाईवे ड्राइविंग पे कैसी है परफॉर्मेंस, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप चाहते हो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। माइलेज टेस्ट की मैं प्रॉपरली वीडियो बना नहीं पाया, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मेरे को माइलेज बहुत अच्छा मिला है, ओवरऑल 16.5 दिखा रहा है, अगर मेरा 16 भी है तो बुरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेकेंड थर्ड गियर में अगर गाड़ी चल रही है कंटिन्यूसली 50-60 किलोमीटर, तब इतना अच्छा एवरेज मिल रहा है आपको 1500cc के इंजन से, तो यार कुछ तो बात होगी ना। तो ठीक है यार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, उस वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।